श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्त्री के पूजा घर में ये एक चीज होती है, वहाँ गरीबी कभी भी नहीं आती। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आपको अपने घर के पूजा घर में कभी भी नहीं होने देने चाहिए, वरना ऐसे लोगों की पूजा कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों जिस घर के बने मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं होती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर की बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीजें रखते हैं तो घर में धन की कमी कभी भी देखने को नहीं मिलती। आज हम चार चीजों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि जिस घर के मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वो घर कभी भी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी भी नहीं टिकती, नौकरी बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। दोस्तों हमारे भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर एक, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर एक कर्मबद्ध तरीके से पूजा करें। नंबर दो, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। नंबर तीन, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप अगरबत्ती तथा किसी भी अन्य पूजा सामग्री को सूंघ कर नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्रों की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर चार, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों तक कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर पाँच, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर में एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक भगवान की दो दो तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीर कभी भी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, इसीलिए ये गलती करने से बचें। आइए अब जानते हैं हमारे घर के पूजा घर में कौन सी चार चीजें अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी धन से माला माल होना चाहते हैं तो घर में बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों नंबर एक, शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में बरकत होती रहती है, इसीलिए घर के बने मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शंख होता है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जरूर वास करती है। नंबर दो, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली और सभी व्याधियों का नाश करने वाली है, इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर
की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे के बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 3, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हो घर के बने मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति नहीं रखते। ऐसी मूर्ति या चित्र केवल खास मौकों पर ही लगाते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति और गणेश जी व लक्ष्मी जी की मूर्ति को हमें घर के बने मंदिर में हमेशा रखना चाहिए और नियमित पूजा पाठ करनी चाहिए क्योंकि ये धन के देवता हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता रहता है, घर में खुशियाँ आती है, पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती। नंबर 4, देसी घी। दोस्तों एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर में ऐसा क्या रखना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने बताया कि घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखना चाहिए जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ये बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रे का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर आप अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली बांध दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें, फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल का छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भर के रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव। जय महाकाल।